गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर स्टार्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी चैप्टर वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि रिसोर्सेज है क्या, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ रिसोर्सेज। सो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइड इट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकल feasible and cultural acceptable can be termed as a resource. It means हमारे environment के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो हमारी सारी needs को पूरा करती हैं, that is called the resources. Now interdependent relationship between the nature, technological and institution. See, this is a human being, physical, technological and institutional. It means human being interact with nature through the technology and create an institution to aggregate their economic development. It means human development या human being एक ऐसी चीज है जो nature के साथ contact करके technology का use करके institution set up करती है और उन resources को अपनी needs को पूरा करने के लिए utilize करती है। इसके बाद हमारा आता है classification of resources, start करते हैं। रिसोर्स दे आर द टू टाइप ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स दे आर द टू टाइप, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर टू टाइप, कंटीन्यूअस रिसोर्स एंड बायोलॉजिकल। दे आर द बायोलॉजिकल आर टू टाइप, नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दे आर द टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। देन ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इसके बाद देखिए सबसे पहले जो हम रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं उसके अंदर हमारा आता है बायोटिक एंड अबायोटिक। इट मींस बायोटिक मींस लिविंग थिंग्स एंड नॉन बायोटिक मींस नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरिजन नाउ द बायोटिक रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर हैव लाइफ। लाइक एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो ह्यूमन बींग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। सेम एज इट इज अबायोटिक, जस्ट इसका अपोजिट में आ जाएगा, कंपोज्ड ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें देखिए लिविंग थिंग्स है, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स है, एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। नेक्स्ट हमारा आता है डिवाइडिंग द एनवायरमेंट, इट मीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। इसके अंदर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज दो रिसोर्सेज जिनको हम फिर से रिन्यू करके रीयूज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम एक बार यूटिलाइज करने के बाद दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर सनलाइट हो गया, आपका सोलर एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। उसी तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आपकी सेल्स है, बैटरी है, फ्यूल है, कोल है, एक्सेट्रा। Now, renewable resource and non-renewable source के अगर define आती है, तो आप किस तरीके से उसको exam के अंदर लिखेंगे? Renewable resources are renewable or replenishable resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process. Example, solar and wind energy, water, forest and wildlife. Renewable resources may further be divided into continuous or flow resources, example wind and water. Non-renewable resources के अंदर अगर आप देखें तो non-renewable resources are formed over a sustainability long geological time. Example minerals and fossil fuels. These can subdivided into like recyclable resources, example metals. Non-recyclable resources, example fossil fuels, which cannot be recycled and get the executed with their uses. See, on the basis of ownership, के ऊपर अगर हम देखें, individual, community-owned, national and international resources, they are the four type of resources. Number one individual, number two community, number three national, number four international. आप देखिए सबसे पहले अगर हम देखें
privately by the individuals. These type of resources are called the individual resources. Land owned by the farmer, allotted by the government against the payment of revenue. Next example, plantation, pasture lands, ponds, watering wall, owned by the individuals, plots, houses and other properties owned by the people in the city, etc. It means जैसे आपका अपना घर वो आपकी private property है, आपकी अपनी कार वो आपकी अपनी private property है, आपकी अपनी industry वो आपकी अपनी own industry. Then the community resources are resources accessible to all the members of the community. Example just like जैसे villages के अंदर आप देखते हैं grazing grounds, burial grounds, village ponds, public park, picnic spots and playground in urban area. इसके बाद हमारा national resources. National resources के अंदर are called the resources that belong to a nation. Example roads, canals, railways, minerals, water, resources, forest, wildlife, etc. Then the territory of water and the resources within the term of the territory water. It means refer to the oceanic area up to 12 nautical miles, means 19.2 kilometer. From the coast, the country has legal power to acquire even private property or public. Urban development authorities get the empowered by the government to occupy the land. अगर गवर्नमेंट को किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट के पास पूरा पूरा राइट होता है कि वो उस लैंड को एक्वायर कर सकती है. इसके बाद हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स है. इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आर रेगुलेटेड बाय सर्टेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. दीज इंक्लूड ऑफ द लाइक इंक्लूड ऑफ द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द like the oceanic resources beyond 200 km of the exclusive economy zone which belong to open ocean and the individual country can be utilized this deed without the concern of the international institution. It means this part is called the EEZ, yani exclusive economy zone. इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन के अंदर अगर किसी भी कंट्री को उस नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है तो उसको यूटिलाइज करने से पहले उसको जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे परमिशन लेनी होती है. जस्ट लाइक अगर आप इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया हैड टू ऑब्टेन द राइट टू माइन मैग्नीज मिनरल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन ऑफ द एयर एरिया व्हिच लाइफ बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन. अगर इंडिया को अपने इंटरनेशनल जोन से बाहर निकल कर एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन के अंदर अगर उसको कुछ भी परचेज कर कुछ भी यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज का तो उसको सबसे पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी होगी. अब देखिए इसके बाद हमारा जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट इसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है पोटेंशियल रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर पोटेंशियल रिसोर्सेज आर फाउंड इन अ रीजन व्हिच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. जस्ट लाइक एग्जांपल विंड एंड सोलर एनर्जी डेवलप पोटेंशियल एनर्जी. विंड एंड सोलर एनर्जी डेवलपमेंट द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द विंड एंड सोलर एनर्जी डेवलप रिसोर्सेज. इसके अंदर आपको क्या लिखना है डेवलप रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्व एंड डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन बोथ क्वालिटी क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फैसिलिटी. इट मीन्स डेवलप रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसके अंदर हम सर्वे करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं और उन रिसोर्सेज को किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ नेशन या अदर थिंग. सो आवर नेक्स्ट इज स्टॉप refer to material in the environment which have the potential to satisfy the human needs but human beings do not have to appropriate technology to assess these examples.
स्टॉक मीन्स वो मटेरियल जो हमारी ह्यूमन नीड को पूरा करने के काम आता है, बट हमारे पास ऐसा कोई भी एक इंस्टीट्यूशन या इंस्ट्रूमेंट्स या मशीनरी नहीं है जिससे कि हम उसको स्टॉक कर सकें। जस्ट लाइक आप एक एग्जांपल दे सकते हैं वाटर का, वाटर के अंदर आप देखेंगे ऑक्सीजन भी आपको मिल जाएगी, हाइड्रोजन भी आपको मिल जाएगी, बट विच कुड बी यूज अ रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी हैव टू रिक्वायर द टेक्नोलॉजिकल नोन हाउ, हेंस इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्टॉक। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है रिजर्व। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, यानी कि जिस तरीके से स्टॉक है जस्ट उसका सबसेट है रिजर्व। उसमें भी आप एक वाटर का एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए व्हिच आर येट टू पुट इनटू द यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नोन हाउ, दिस कैन बी यूज फॉर द मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जस्ट लाइक रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, बट presently it is belonging that is being utilized only unlimited extent, it means hum log jo reserve lekar chalte hain wo lekar chalte hain for the future generation, jaise ab river water ko hum lagatar use kis liye karte hain, generating the hydroelectricity, agar lagatar hum isi tarike se karte jayenge to aage aane wali generation ke liye hamare paas pani nahi bachega, isliye wo hame reserve karke rakhna padta hai ek dam banakar ya kisi aur tarike se, so this is called the reserve source। इसके बाद हमारा आता है प्रॉब्लम क्रिएट बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज बाय मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, मैनी रिसोर्सेज गेट डिग्रेडेड एग्जांपल फॉरेस्ट, यानी कि हम लगातार रिसोर्सेज को यूज करे जा रहे हैं या काटे जा रहे हैं, उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा फॉरेस्ट आता है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो उसके लिए हम लगातार फॉरेस्ट को कट करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे पास आगे आने वाले टाइम में फॉरेस्ट लगातार कम होते चले जाएंगे और वो एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी रीजन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिसोर्सेज गॉट अकोमोडेबल इन द हैंड ऑफ द फ्यू पीपल, द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर, जब रिसोर्सेज का डिवाइडेशन कुछ ही लोगों के हाथ में हो जाता है तो हमारी सोसाइटी के अंदर रिच और पुअर का जो डिफरेंस होता है वो बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होता चला जाता है डिक्रीज होने की जगह, क्यों, क्योंकि अधिकतर पावर अगर कुछ ही लोगों के हाथ में होगी या रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथ में होंगे तो वो उनका ब्लाइंडली यूज करते हैं फॉर ओन बेनिफिट। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डेप्लिकेशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन आर द अदर प्रॉब्लम। Now there is sustainable development. When we use the natural resources without any harm of nature, this is called the sustainable resource. और इसी resources को जब हम development के लिए use करते हैं, that is called the sustainable development. Resource planning. Resource planning is a technique or skill of the proper utilization of resources. इसके अलग-अलग steps होते हैं. जिस तरीके से आप देखिए पहला step इसके अंदर क्या होगा? Stages of resources planning. नंबर वन आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ द रिसोर्सेज, इसके लिए हम क्या करते हैं सर्वेइंग मैपिंग एंड द मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज आर द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज अंडरटेकन एट दिस स्टेज। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा हमारा प्लानिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि डेवलपमेंट प्लानिंग स्ट्रक्चर विद सुटेबल टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, सी मैच रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज को सबसे पहले हमने देखा सर्वेइंग करते हैं, मैपिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि कौन सा रिसोर्स कितनी मात्रा में कहां पर अवेलेबल है, उसके बाद हम उसको डेवलपमेंट और प्लानिंग स्ट्रक्चर को सुटेबल बनाते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो रिसोर्सेज हमने ढूंढे हैं सर्च किए हैं उनको हम किस तरीके से अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या नेशन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मैच कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है इंपोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, सो इट इज नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। नंबर वन सम रीजन ऑफ इंडिया आर नीड सर्टेन रिसोर्सेज एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज, इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर नंबर ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे प्लेसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर रिसोर्सेज बहुत कम है या फिर है ही नहीं। जस्ट एग्जांपल आप लीजिए राजस्थान इज पुअर इन वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। नेक्स्ट
some regions are self-sufficient while the other regions are very poor in important resources. Example, Madhya Pradesh is rich in many regions but Ladakh is poor in resources. Wastage of resources can be avoided by planning. Environmental pollution can be reduced. Overexploitation of resources can be avoided. महात्मा गांधी ने भी कहा था resources fulfill our need not our greed. Then हमारा आता है resource conservation. इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, plan use of resources in order to meet the present need and to store a part of the future generation is called the resource conservation. It is necessary because, यानी कि resources को हमें क्यों बचाना है, उसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है उसके. नंबर वन, मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एक्सेसिबल विल बी कंजर्व, देन वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते, और अगर हमें उनको फिर से बचा कर रखना है अपने आने वाली जनरेशन के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे को उनको लॉन्गर टाइम तक सेव रखना पड़ेगा और उतना ही यूज करना पड़ेगा जितने की उसकी रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज, इट विल हेल्प इन द इकोनॉमी प्रोग्रेस. यानी कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज करें कि उसकी जो वेस्टेज हो वो ना के बराबर हो या हो ना. रिसोर्सेज कंजर्वेशन help us to protect the environment. Now the Gandhiji idea on the resources conservation, according to the Gandhiji, there is enough for everybody needs and not for the anybody greed. Greedy and selfish individual and the exploitation nature of modern technology are the root cause of resource depletion. He was against the mass production and wanted to replace it with प्रोटेक्शन बाय मासेस. यानी कि वो भी ये कहते थे कि आपको जितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उतना ही आप यूटिलाइज कीजिए, आप अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए उसको ब्लाइंडली यूज ना कीजिए. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन. इट मीन्स लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय द रनिंग वाटर एंड विंड. यानी कि लार्ज स्केल पे जो हमारा सॉइल इरोजन होता है उसका सबसे बड़ा एक कारण क्या होता है, रनिंग वाटर और विंड. देखिए तेज हवा चलती है तो वो अपने साथ सॉइल को उड़ा कर ले जाती है, पानी बहुत तेजी के साथ बहता है सरफेस के ऊपर तो वो अपने साथ मिट्टी को काटता हुआ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है. डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द माइनिंग सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट. यानी कि जब हम वेस्ट मटेरियल को किसी भी डंपिंग यार्ड में या ऐसी जगह वेस्ट कर फेंक देते हैं या इकट्ठा कर देते हैं तो वो धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म करता चला जाता है और सॉइल इरोजन मात्रा स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है. ओवर इरिगेशन लेड्स टू इंक्रीज द सैलिनिटी एंड द अल्कलिनिटी इन द सॉइल. यानी कि कुल मिलाकर अगर हम ओवर इरिगेशन करते हैं किसी भी लैंड के ऊपर तो उस सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो लगातार रिड्यूस होती चली जाती है. वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट पॉल्यूटेड एंड द लैंड. Mineral processing like grinding of limestone for the cement industry and calcined the soap stone from the cement industry create a lot of dust. Thus, dust is deposited in the neighboring land. इसके बाद हमारा आता है land conservation measures. किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं? तो soil erosion can be prevented by the ending deforestation, controlling grazing, increasing afforestation and practicing terrace farming in hill areas. देखिए best example है इसका ये कि soil erosion को prevent करने के लिए सबसे पहले हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, यानी deforestation, overgrazing control करनी चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा टेरिस फार्मिंग में हिल एरियाज के अंदर. अगर टेरिस फार्मिंग होती है जस्ट लाइक अ स्टेयर, अगर पानी यहाँ से बहता है तो वो इस वाली सेल पर आकर रुक जाता है, और अगर सरफेस एरिया फ्लैट होता है तो उसके अंदर वो पानी बहुत तेजी के साथ फ्लोट करता हुआ जाता है और सॉइल को लगातार काटता हुआ चला जाता है. इसके बाद हमारी माइनिंग एक्टिविटी आती है, उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके. ज्यादा से ज्यादा हमारे को कोशिश ये करनी चाहिए कि वेस्टेज कम से कम हो. इसके बाद हमारा
अर्बन वेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस एंड बायोमैन्योर्स, ओवर इरिगेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड न्यू मेथड ऑफ द इरिगेशन शुड बी फॉलोड। नाउ सॉइल एज अ रिसोर्स, व्हाट इज सॉइल? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर द प्लांट इज कॉल्ड द सॉइल। इट मीन्स अर्थ की जो अपर लेयर होती है और क्रस्ट की विच इज यूज और ब्रोकन, यानी वो बहुत हल्की होती है और टूट जाती है, जिससे सॉइल बनती है। अब उसको हम यूटिलाइज कहाँ करते हैं? फार्मिंग के लिए, प्लांट्स के लिए। तो सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल वाटर विच एज सैंड एंड क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमस बैक्टीरिया एंड अर्थ। नेक्स्ट, सॉइल इज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। एज अ रिजल्ट वेदरिंग अ लेयर ऑफ लूज रॉक्स मटेरियल इज फॉर्म ऑन द लैंड सरफेस। इट इज लेयर रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। केमिकल फिजिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टेक प्लेस इन इट, दीज चेंज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल करते हैं। नेचर की वजह से बनती है, क्लाइमेट की वजह से बनती है, ग्लेशियर्स की वजह से बनती है, दे ऑल आर फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर वन, क्लाइमेट। क्लाइमेट डिसाइड द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो होती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन होती है, एनिमल्स होते हैं। तो क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉइल के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज टॉपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉइल। नेचर ऑफ द पेन रॉक इट डिसाइड टू द कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इसके अंदर कलर भी आ जाता है और बाकी चीजें भी आ जाती है। वेजिटेशन डिसाइड टू द अमाउंट ऑफ द ह्यूमन एवेबिलिटी इन द सॉइल। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर जो है इसके अंदर इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ सॉइल। देयर आर द सिक्स टाइप ऑफ सॉइल। नंबर वन एलुवियल सॉइल, नंबर टू रेड सॉइल, नंबर थ्री ब्लैक सॉइल, नंबर फोर लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। So now topic is type of soil. There is six type of soil: alluvial, red, black soil, laterite soil, desert soil, and mountain soil. So सबसे पहले हम देखेंगे alluvial soil. See the picture of alluvial soil. Alluvial soil is the most fertile and widespread soil found in India. It means alluvial soil वो soil है जो India के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है और mostly fertile. It is formed due to the deposition of fine soil called alluvial by the rivers. It is found in the northern plains, Gujarat plains and the coastal plains. It consists of sand, silt and clay. It is divided into khadar and bangar. It means old alluvial soil and new alluvial soil. It is contains soil that is nutrition such as potash, phosphoric acid and lime. So it is fertile and good for the growth of sugarcane, rice, wheat and pulses. इसी के अंदर जब हम अभी हमने पढ़ा old alluvial soil and new alluvial soil, bangar is called the old alluvial soil and khadar is called the new alluvial soil. तो बांगर और खादर के बीच में अक्सर आपका डिफरेंस पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर। तो आप इसको इसमें क्या लिखना है, बांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन। इट इज कंपोज ऑफ द ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल। जस्ट इट्स अपोजिट द फ्लड प्लेन फ्रॉम अ यंगर एलुवियल आर कॉल्ड द खादर। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन, दे रिज्यूमेबल टेरेस, द सॉइल इज नोन रीजन रिन्यूड एवरी ईयर एंड इज द हाईली फर्टाइल। The soil of the region is locally known as kankar and is composed of calcareous deposits. Then the region is very suitable for the intensive agriculture activities. Now next, our next topic is black soil. Okay, see,
अभी आपने एलुवियल सॉइल देखा था तो उसके अंदर येलो कलर था हल्का सा रेड और इसके अंदर पूरा ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। रेगर मीन्स कॉटन, ब्लैक सॉइल फॉर द कॉटन कल्टिवेशन। इट मीन्स ब्लैक सॉइल जो है उसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं और रेगर का मतलब होता है कॉटन। इसलिए ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। नाउ मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्लैक सॉइल, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड स्टिकी व्हेन ड्राई, राइट। सेल्फ प्लगिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सॉइल एज इट इज डेवलप व्हाइट क्रैक व्हेन ड्राई। अब रिच किस चीज में है? आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड द मैग्नीशियम। डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड द ऑर्गेनिक मैटर्स। कलर इसका क्या है? डीप ब्लैक टू द लाइट ब्लैक। देन इट इज मेनली फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। नाउ नेक्स्ट इज रेड सॉइल। सी द कलर ऑफ रेड सॉइल। ओके, सी मेनली इन लो रेनफॉल एरिया, फेवरेबल स्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ लाइम कंकर, डेफिशिएंट लाइम, पोटाश, फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड ब्लैक कलर, रेड कलर ड्यू टू द डिफेक्शन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो टेक्सचर, सैंडी टू क्ले एंड लॉमी, वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयलसीड्स, पोटैटो एटसेट्रा आर कल्टिवेटेड। इट इज फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। नाउ आवर नेक्स्ट इज लैटराइट सॉइल। नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रेक्स, यानी कि ये अलग अलग टुकड़ों में रहती है, इसके अंदर बहुत तेजी के साथ क्रैक्स पड़ते हैं। Because so soft when wet and so hard when dry. Formed in the area of high temperature and the high rainfall. Formed as a result of high leaching due to rainfall. Organic matters of soil will be removed fast by the bacteria. As it is high temperature and humus will be taken quickly by the trees and other plants. Thus human content is low. Deficient in nitrogen, potash, potassium, lime, humus, color is red color due to the iron oxide. तो इसके अंदर अक्सर आपसे ये पूछ लेता है कि रीजन क्या है रेड कलर होने का, तो आप लिखोगे आयरन ऑक्साइड होगा इसमें। Now, rice, ragi, sugar cane and cashew nuts are cultivated mainly. It is good for the cultivation of tea, coffee, cashew nuts. Now, it is found in केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। नाउ हमारी नेक्स्ट आती है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल के अंदर आप देखोगे सीन अंडर द एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस डिपॉजिट्स मेनली बाय द विंड एक्टिविटी, हाई सॉल्ट कंटेंट, लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, कंकर आर इम्प्योर, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज high, which restricted the infiltration of water, texture इसका जो होता है वो sandy होता है, color red to brown, found in the western Rajasthan. Now the forest soil. Forest soil के अंदर आपका आता है forest soil are formed in the forest area where the sufficient rainfall is available. The soils vary in structure and texture depending on the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty, the valley slides and the coarse grain in upper slopes. In the snow-bound area of the Himalaya, they experience depletion and the acidic with low humus content. The soil found in the lower valley or fertile. Now next हमारा आता है soil erosion. Soil erosion क्या है? What is soil erosion? आप इस picture के अंदर ध्यान से देखिए।
इस पिक्चर के अंदर ही आपको जितने भी कट नजर आ रहे हैं, इट मीन यहाँ पर पहले सॉइल थी, या तो रेन रेन की वजह से, या रनिंग वाटर की वजह से, या रिवर की वजह से, या एयर की वजह से यहाँ से वो सॉइल हट गई है या कट गई है, तो दिस इज कॉल्ड द सॉइल एरोजन। तो अगर हम अब इसकी डिफाइन लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एरोजनिंग इज कॉल्ड द सॉइल एरोजन। यानी कि टॉप मोस्ट लेयर की जो अपर, जब सॉइल की अपर टॉप मोस्ट लेयर किसी भी वजह से हट जाती है, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज की वजह, चाहे वो मैन की वजह से हटे या नेचुरल नेचर की वजह से हटे, दिस इज कॉल्ड द सॉइल एरोजन। सो इट इज कॉज्ड बाय द रनिंग वाटर एंड विंड, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज स्केल सॉइल एरोजन। एंड सॉइल एरोजन देयर आर टू टाइप, गली एरोजन एंड शीट एरोजन। Now, gully erosion, the rain water when moved down on the uneven landscape away the soil and form deep canals called the gully erosion. अभी जो हमने पीछे पिक्चर देखी थी वो गली इरोजन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। This type of erosion is called the gully erosion. A land which is broken into many small parts by gullies is called the bag. A bad land is unfit for cultivation and for the other economic activities. यानी कि bad land वो land होती है जिसके ऊपर हम किसी भी तरीके की agriculture activity नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की land के ऊपर या तो road structure तैयार होता है या फिर building structure तैयार होता है। See the gully erosion. ये अच्छा कहता पूरा एक land का part था जिसके बीच में से पूरा deep canal कट पड़ा। अब देखिए आप यहाँ भी देखिए, ये वाला पार्ट भी देखिए पूरा, ये सारा डीप गली इरोजन है। ठीक है, यहाँ से अभी ये पार्ट कटा है, जब हमारा रनिंग वाटर होता है तो वो धीरे धीरे इन प्लेस पार्ट को और बड़ा करता चला जाता है, जिससे कि ये एक अच्छा खासा डीप कनल बन जाता है। नाउ शीट इरोजन देखिए, इस सॉइल का अपर पार्ट, पिछली शीट में हमने देखा डीप, इसमें हम क्या देख रहे हैं, शीट का अपर पार्ट जो है वो इरेज हो रहा है, तो ये हमारा हो गया शीट इरोजन। यानी सम टाइम वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, द वाटर टेक्स अवे द टॉप सॉइल, दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड द शीट। देन सॉइल कंजर्वेशन, इसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं, तो नंबर वन कंटूर प्लगिंग, प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइन कैन डिक्लेयर द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। अगर हम कंटूर प्लगिंग करते हैं तो वाटर का जो प्रेशर होता है वो स्लो पड़ जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सॉइल इरोजन नहीं होता। नाउ द टेरेस फार्मिंग हिल एरिया में आप जब भी देखेंगे, अगर वहां पर टेरेस फार्मिंग होती है, लुक लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड द टेरेस फार्मिंग, तो यहाँ पर सॉइल इरोजन उतना नहीं होता जितना कि प्लेन सरफेस में होता है। इसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, लार्ज फील्ड आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, यानी कि अलग अलग स्ट्रिप्स के अंदर उसको हम डिवाइड कर देते हैं, और जिससे कि उसके अंदर जो बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं वो विंड चलने पर जितनी भी सॉइल होती है उसको वहां पर रोक लेती है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसके बाद हमारा आता है शेल्टर बेड, प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री आर क्रिएट द शेल्टर, यानी कि प्लांट्स को जब हम एक सीधी लाइन के अंदर ग्रो करते हैं और वो बड़े होने के बाद एक शेल्टर का काम करते हैं, किस तरीके से, जब बहुत तेजी से हवा चलती है तो उस हवा के प्रेशर को भी कम करते हैं और साथ साथ सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। नाउ यहाँ पर आकर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है, अगली क्लास के अंदर हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।